अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू? ठीक हो? तबीयत ठीक है? पहचाना है आपने हमें? हाँ ते हाँ हेलीकॉप्टर में फेंका था राशन। सैलाब के दिनों में हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि राशन फेंक रहा है हेलीकॉप्टर, और वीडियो हमारी वायरल गई थी। तो आप वो रोड है जिस साथी, हाँ, तो वहाँ पर जो ना यहाँ से जब सैलाब था तो यहाँ से उठकर वहाँ पर आ पाए थे, ऐसे ना? तो आपने इशारा कहा था, मैंने कहा कि आपका घर का, आपने कहा कि वो घर है। तो 6 महीने तो हो गए, अभी तक घर नहीं बना आपका। ये बड़ी तो मेहनत से। पहले तो मसला ये है था, खेती जमीन अपनी नहीं है। अच्छा अच्छा, उस तो इलादा जमीन अपनी नहीं है, खरीद नहीं सकता हूँ, गरीब आदमी हूँ। अच्छा, ये जमीन आपकी अपनी नहीं है? नहीं है। अच्छा ठीक है, उसके बाद खेती करता हूँ और किसी का। अच्छा, वो घर बना नहीं देता है, टाइम पास कर रही हूँ जिंदगी का। अल्लाह ताला का मेहरबानी है, ये भी शुक्र है तंदुरुस्ती दे दिया अल्लाह ताला ने। और मेहनत करते हैं आप? खुद मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक है, जितने भी बहुत दूर दूर तक जमीने हैं, आबादी नहीं है, गर्मी अभी लू, गर्म लू लग रही है बड़ी दर्दनाक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे रहते हैं इधर इस इलाके में? बड़ी जब गर्म लू चलती है तो हाँ, बहुत तेज लगती है ना मैदानी इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बात है ना, देखो ना अभी तो जिंदगी का सफर, कैसे भी जो भी करना है, तकलीफ है भी करना है, सुख है भी करना है। अच्छा हाँ, सही तरीका। अगर तो, हाँ, 6 महीने हो गए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इन्होंने अभी तक वो जो कैंप मिले थे वही उसी में आप रह रहे हैं? हाँ, हाँ, जे, ये देखें थोड़ी थोड़ी करके ये ईंटें वगैरह हाँ, लेकर जो ना अपना बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जे, जे, जे। लेकिन हालात आपके ये हैं। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सही से। सुना है कि पीछे से फिर ये रोड कोई सुलेमान में पानी आया है, तो फिर दोबारा पानी आ रहा है? हाँ, पानी आ रहे हैं। अल्लाह, यहाँ से वो आगे टूल प्लाजा नहीं है? टूल प्लाजा है, हम वहीं से होकर आ रहे हैं हम। अच्छा, वहाँ देखा वहीं से, ना? हाँ, वहीं से होकर आ रहे हैं हम अपने। अभी यहाँ तक मौजूद पानी तो नहीं है, पीछे रुका हुआ है यहाँ। अल्लाह खैर करे। अच्छा, आपकी क्या खिदमत करूँ? अच्छा अंकल, हम आपकी कोई ज्यादा कोई हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटी सी थोड़ी सी एक हेल्प है, ठीक है ना, ये आप रख लें। तो हाँ, तो हमने देखा कि मैं बार बार कई दफा गुजरा हूँ यहाँ। अच्छा, से मैं देखता था, मैं कभी अब मिलूंगा रुकूंगा आपसे। मेहरबानी, शुक्रिया, शुक्रिया अदा करता भाई। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेहरबानी, शुक्रिया अदा करता भाई साहब। कोई बात नहीं, ठीक है। और बात करनी है आपने? मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह के एहसान है, जो वक्त दे रहे अल्लाह ताला का, जिंदगी का सफर भाई साहब करना है, करना है, करना है। अगर जलील हो रहा है जिंदगी का सफर करना है, वो खुश है भी जिंदगी का सफर करना है। सही सही, वो वक्त जो वक्त अल्लाह ताला दे ना इंसान को, वो असल बेहतर है। बिल्कुल। अगर दुख को इशू करूं, कोई सुनता है? नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, अल्लाह ताला तो सुन रहा है ना। अल्लाह ताला सुन रहा है, शुक्र भी उसी का अदा करना है। उसकी शुक्र अदा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारा रोजा है, कोई बात नहीं, हम आपके पास जाते हैं। मेहरबानी मेहरबानी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम हाफिज़ खालिद साहब के इलाके में मौजूद हैं। 6 महीने पहले जो है यहां पर सैलाब के आसार खुदा खुदा खर करके ख़त्म हुए। तो अब आप जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से जैसे ही गंदम का मौसम शुरू हुआ, यालाबरी का आगाज़ हुआ, बारिशों का फिर सिलसिला शुरू हुआ, और अभी मज़ीद अभी तो फिल वक्त नहीं है, लेकिन कुछ चंद दिनों बाद जो है ना दोबारा उन्होंने किया है कि शायद पेशन गोई की है कि बारिशें शायद इस बार हों, लेकिन ये मौजूदा जो अभी चंद दिन पहले बारिशें हुई हैं तो उनका रिज़ल्ट जो है ना दोबारा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के इलाके में जो है ना ये सूरत हाल पैदा हो गई है। बहुत सारा इलाका है, ज़्यादातर सुनसान इलाका है, लेकिन आबादी यहाँ पर मौजूद है। तो ये हालात हैं, ऐसे घर जो ऊंचे हैं वो तो कुछ सेफ़ हैं, अदरवाइज़ जो है तकरीबन 4 फुट पानी जो है यहाँ पर मौजूद है। तो रमज़ान मुबारक में कुछ मुस्तहकिन के लिए हम हेल्प करने यहाँ पर आए थे, हाफिज़ साहब ख़ुद भी मुस्तहक हैं और उनके भाई भी, तो मेरी उन्होंने रहनमाई की, यहाँ पर मुस्तहकिन से हम मिले हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप चलें देखिए। तो ये तकरीबन हाफिज़ खालिद साहब, ये कितने किलोमीटर तक ये इलाका फैला हुआ है? ये सर बहुत है, तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 किलोमीटर से भी ज़्यादा है पानी। 6-7 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिसकी चौड़ाई जो है ना है, तो कोहे सुलेमान का सिलसिला यहाँ से 35 किलोमीटर, तकरीबन 35 किलोमीटर होगा, 30-35 किलोमीटर, हाँ, 30-35 किलोमीटर दूर जो है ना यहाँ पर कोहे सुलेमान के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कोई नहरी सिस्टम नहीं है, ज़रखेज़ ज़मीन है, बर्बाद हुई पड़ी है, लाखों एकड़ पर मुश्तमिल है। मज़ारी जो बरादरी है, जो यहाँ के नवाब हैं, तो
उनकी जो है ना ये ज़मीनें हैं, लेकिन यहाँ पर नहरी सिस्टम बिल्कुल नहीं है और यही वजह है कि ये इलाका सुनसान पड़ा रहता है। तो ट्यूबवेल के ज़रिए पानी निकाल कर यहाँ पर काश्त करने की कोशिश की जाती है। मीर जफरुल्लाह खान जमाली डेरा मुराद जमाली से थे, जो परवेज़ मुशर्रफ़ के दौर में वज़ीर आज़म बने थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत दूर से डेरा गाजी खान से लेकर डेरा मुराद जमाली तक जो है ना उन्होंने कच्ची कैनाल नहर जो है ना निकाली थी, तो वो है। और जैसे जैसे ही बारिशें होती हैं तो कच्ची कैनाल नहर जो है ना वो टूट जाती है और पूरा इलाका जो है ना वो सिला में जो है ना डूब जाता है। और इसके अलावा भी जो कोई सुलेमान से जो नदी नाले निकल रहे हैं वो वहाँ पर जब बारिशें होती हैं तो सारा का सारा पानी इस इलाके में फैल जाता है। ये तकरीबन कोई 50 किलोमीटर की एक पट्टी है जो डेरा गाजी खान से लेकर सिंध और कराची की साइड पर जो है ना वो साथ साथ जो है ना जाती है इंडस रोड के करीब करीब। आज जी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की तहसील रुझान में मौजूद हैं और अंकल से आप वाकिफ़ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तो माशाल्लाह जी हम देख रहे हैं बच्चा, इनका नेम बताइए, नेम क्या है इनका? इसका वसीम अहमद। वसीम अहमद है माशाल्लाह। तो हमने जो इमदाद किसी ने भेजी थी आपके लिए, तो माशाल्लाह, तो आपने उनका चेकअप कराया? बिल्कुल मैंने कराया, बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। वो उन भाइयों का बहुत शुक्रिया है जो उन्होंने हमारा इमदाद किया है माशाल्लाह। और उन्हों की तरफ से जो है ना ये हमारा बच्चा कुछ ना कुछ मतलब फर्क में आ गया। वो कहते हैं इसका कोर्स कराओ और कोर्स के बाद इंशाल्लाह ताला डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगा। ठीक बहुत तो इलाज हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी आंख का आप कह रहे थे कि दूसरी आंख का क्या हुआ फिर? वो उसका भी वो जो है ना कुछ न कुछ फर्क पड़ गया है, वो कहता है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत खुशी। जब वो वीडियो देख रहे होंगे इंशाल्लाह उनको बहुत खुशी होगी। एक प्यारा सा बच्चा, बड़ी अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे बिल्कुल। बाकी जो है हमारा अखराजात तो मुख्तलिफ, मैं ज्यादा मुख्तलिफ बता सकता हूँ। हमारे जहेद की भी जरूरत होती है। सही सही, आप यहाँ? अच्छा, इनकी बेटियाँ हैं तो वो अपनी बेटी से मतलब भी काफ़ी परेशान हैं। तो माशाल्लाह अभी जो ये जो मसला है, अभी माशाल्लाह डॉक्टर ने यही कहा है कि ये हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, 3-4 कोर्सों के बाद इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, आप अस्सलाम वालेकुम बेटा, उर्दू समझ आती है? नहीं। अच्छा, ये बलोची जबान है। अच्छा, आप इनसे पूछें कि क्या आप ठीक है, आराम है पहले से? अब तबीयत ठीक है ना? नहीं, ठीक है ना? काजी इतने भी अच्छा हमारा नहीं भाई, ना कोई खारिस नहीं हो रहा, कम हो गया है। हाँ, खारिश है, आंख बड़ी लाल हुई हुई थी उनकी। तो अभी ये देखो ना, ये आईना का उतार के ये देखता है ना, अभी सही है, अभी ठीक है। नहीं, उस दिन तो काफी लाल थी और बहुत ही खराब थी माशाल्लाह। अब बेहतर बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है माशाल्लाह। दूसरी साइड वाला आंख है ना, वो कुछ है, ये सही है। अच्छा, उस दिन तो तुमने भी देखा था जो आंख यानी कि वहाँ लाल हुई थी बड़ी। हाँ, तो अल्लाह ताला भी नहीं रही थी। हाँ, नहीं नहीं खुल रहे थे, नहीं बड़ी तकलीफ में था और बार बार ये खर्च कर रहे थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह थे, अल्लाह ताला शिफा अता करेंगे इंशाल्लाह। आपके बच्चों बेटियों से मुतालिक भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो हम से हो सकेगा इंशाल्लाह हम करेंगे, कोशिश होती है इंसान की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा यहाँ पर मौजूद हैं और रमज़ान मुबारक के हवाले से मुस्तकीन जो है ना यहाँ पर बैठे हैं, तो इस्तेआत के मुताबिक हैं, इनकी हम हेल्प करते हैं। तो जो है ना, सबसे पहले तो ये बच्चे के लिए है, ये आप अपने लिए रख लें, ठीक है ना? बाकी जो है ना अंकल सलाम, ये रख लें, ये आप रख लें, ये पीछे भाई को दे दें, असलीम भाई आ जाए, ये दे दें, ये भाई दूसरे बैठे हैं उनको दे दें, नफ़कत हाफिज खालिद साहब को, और आ जाए भैया। तो ये बाहर का इलाका, हम आप अभी तो हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर का इलाका आपको इस बैकग्राउंड में सी में नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही ऐसा इलाका है जहाँ पर इनकी अपनी लोगों की ज़मीनें नहीं है, बस दूसरों की ज़मीनों पर जो है वो कुछ काश्तकारी करते हैं या मजदूरी करते हैं। तो बड़े बुरे हालात हैं इनके। तो इस हवाले से, रमज़ान मुबारक के हवाले से जो हमारे पास कुछ ज़कात की रकम पहुँची, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि मुस्तकीन तक हम पहुँचें। तो मकसद ये भी था कि बाबा जी के पास हम आएँ, बच्चे से मुतालिक हाल वाल लें। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि बच्चे की आँख इंतहाई गुरबत, देखें आप ये इनका, ये एक बंदा, हाँ एक बंदा जब ये मकान की छत नहीं बना सकता तो वो बच्चे की जो है ना वो इलाज जो है ना वो क्या करा सकते। हाँ, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला ही रहम करने वाला है, अल्लाह ताला शिफा अता करने वाला, अल्लाह ताला से दुआ है। आमीन। हाँ, हम भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला जो हमारी मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे और उनका ये दिया हुआ जो है ना, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए रमजान शरीफ में। वो उनकी बड़ी मेहरबानी और उनका बड़ा शुक्रिया कि हमारी मदद कर रहे हैं गरीबों की।
सैलाब के बाद जी जब इनके घर गिरे हैं तो अभी तक जो है ये नहीं बना पाए, बड़ी खुद ये मिट्टी के ब्लॉक हैं और इन्होंने जो ये गुजर बसर किया हुआ है, ये कमरे बनाए हुए हैं चाचू ने। तो अब भी बारिशों का अगर कुछ बता रहे हैं तो ये इसी हालत में ही हैं, दो तीन दफ़ा बारिशें हो चुकी हैं अभी, तो जैसे ये मौसम शुरू हुआ गर्मियों का तो इनके हालात में भी ये यहाँ पर ही मौजूद रहे हैं, बड़ी मुश्किल से और बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी जो है ना ये गुजारी जा रही है यहाँ पर। ठीक है अंकल जी, ठीक है, अल्लाह ताला रहम करेंगे इंशाल्लाह। और कोई बात करनी है आपने? सर देखो हम ये बात कर रहे हैं, हमारा हक है तो हमको हक मिले, बिल्कुल हम हकदार हैं, एक गल बात तो नहीं है। सही एक बात रुपया है। अगर फ्लड से हम लोगों को कोई एक रुपया भी नहीं मिला, इधर कोई आदमी भी नहीं आया, अगर जिसके साथ पूछेंगे वो बोलते हैं ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, तुमने तो आबेसा ने मेहरबानी किया, देख रहे हो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके साथ सामान है तो हमारे साथ करें, ये हमारे बच्चे हैं, ये देखो ये पदर है सारा। सही बात है, सही बात है। ये वो मस्जिद है जी, ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ये वो मस्जिद है जो सैलाब में बह गई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बनवाई थी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आप देख सकते हैं कि ये जो बंद है इसके बाद ही एक पूरी बस्ती है जो ख़तरे से दोचार है, तो इसके बंद के इसके इस साइड पे जो है ना ये सैलाब है और वहाँ पर रोड है, इसमें जो है इस हद में जो है ये सैलाब जो है ना बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, यहाँ तक रुका हुआ है, अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो ये बंद टूट जाएगा और इस दूसरी साइड पे भी पानी चला जाएगा और इस साइड पे भी पानी आ जाएगा। ये जी कोई छः महीने आने वाला कोई सैलाब नहीं है, ये यहाँ 12 अप्रैल है 2023 आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, तो ये सूरत हाल है, बस अल्लाह ताला रहम करें।